हेलो फ्रेंड, मैं ललिता आपका स्वागत करती हूँ पड़ाव की रसोई में। आज हम बना रहे हैं पोहा। तो पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सब्जियाँ। तो सब्जियों में हमें सबसे पहले चाहिए बीन्स, फिर चाहिए गाजर, और ये है इसमें ये एक हरी मिर्ची चाहिए, और फ्रेश कड़ी पत्ता है, और ये फ्रेश धनिया के पत्ते हैं बनाने के लिए। अब हम कर लेते हैं सब्जियों की कटिंग। तो पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सरसों का तेल। गर्म हो गया है तो ये हमने जो सब्जियां थी वो हमने बारीक चॉप काट ली हैं, तो अब हम इससे बनाएंगे पोहा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें तेल में डालना है राई के दाने। तो अब हमें डालना है इसमें ये करी पत्ता, डालना है ये ग्रीन चिली, ये ग्रीन बीन, और ये गाजर। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्का सा जीरा पाउडर, और उसके बाद इसमें सेंधा नमक। ये पकने देंगे लो फ्लेम में। ये हमारी सब्जी पक के तैयार हो चुकी है। तो अब हम बनाएंगे पोहा। ये जो हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, वॉश करने के बाद छलनी की मदद से इसको हमने छान लिया था। पोहा बन के रेडी हो चुका है। तो इसके बाद आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी पनीर अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए मैं तो धनिया के पत्ते। हमारा पोहा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इसको अब हम सर्व कर देते हैं।